आइए मेहरबानों, जैसा आदेश हुआ कुछ नई चीज सुनाए तो शायद समझ में कम आएगी। आपकी सुनी हुई रागनी किस्सा होगा महाराणा प्रताप उस समय की बात की जब हल्दी घाटी के मैदान में बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जंग ठहर जाता है। मेहरबानों, लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक पैर से घायल हो जाता है। अब तो झाला नाम का सैनिक जिसकी शकल महाराणा प्रताप से मिलती थी, मेहरबानों महाराणा प्रताप के सर से ताज को उतार करके अपने सर पे रख लेता है और महाराणा प्रताप से कह देता है कि आप यहां से चले जाइए। कहने लगा झाला, मैं तुझे इस विपत्ति के समय में ऐसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेहरबानों, झाला हाथ जोड़ लेता है, कहने लगा देश के लिए, मेरे लिए नहीं देश के लिए चली जाइए। अब तो अपने घोड़े को लेकर के चल देते हैं। मेहरबानों, हल्दी घाटी के मैदान से बचकर के महाराणा प्रताप चेतक को लेकर के चलते हैं। एक नाला पड़ता है, नाले को देखते ही चेतक वहीं पर रुक जाता है। महाराणा प्रताप कहने लगा चेतक, आज से पहले मैंने तू नहीं देखा कि इस तरह से रुक गया हो। तू तो हवा से बातें किया करता था, आज विपत्ति के समय में तू ऐसे कैसे खड़ा हो गया। मेहरबानों, जैसे ही चेतक ने अपना मुख महाराणा प्रताप के चरणों से लगाया, आंखों से टपक करके आंसू उनके चरणों पर गिरे, नीचे देखा कि चेतक तीन पैरों पर खड़ा हुआ है। मेहरबानों, देखते ही महाराणा प्रताप सेम दे में रह जाते हैं कि चेतक तू तीन पैरों पे उस हल्दी घाटी के मैदान से मुझे यहां ले आया। अब तो चेतक उस नाले को कूद तो जाता है लेकिन वहीं पर शहीद हो जाता है। मेहरबानों, वो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई जो कि अकबर से मिला हुआ था अपने घोड़े को लेकर के वहीं आ जाता है। देख करके शक्ति सिंह को सीना खोल के खड़ा हो जाता है महाराणा प्रताप और न्यू कहने लगा कि मैं खुले अल्फाजों में कह सकता हूं कि चंद रूपों में भारत मां के पूत भारत मां के लाल बिक चुके हैं। ऐसे वीरता भरे शब्दों को सुनकर के शक्ति सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगा जिस खून से महाराणा प्रताप उत्पन्न है उसी खून से है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए मर रहा है और मैं देश से गद्दारी कर रहा हूं। मेहरबानों, वीरता भरे शब्दों से हृदय गदगद हो जाता है, अपने घोड़े को दे देता है कि महाराणा प्रताप इस हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है। अरावली के जंगलों में चले जाते हैं, पीछे से आए हुए मुगल पठानों में गोली मार देता है शक्ति सिंह। मेहरबानों, अब तो अरावली के जंगलों में एक शिला पर बैठे हुए हैं महाराणा प्रताप। तभी एक बाज नाम का पंछी आता है और आकर के महाराणा प्रताप की बाजू पर बैठ जाता है। किस तरह से उस पंछी से न्यू कहने लगे, रे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जा और जाकर के खबर सुना दे कि कुछ बकरियों के कुछ मेमनों के बच्चों के बीच में आज एक शेर फंस चुका है। ऐसा बुरा वक्त इस महाराणा प्रताप पर आ चुका है। मेहरबानों, किस तरह से निशानी बताने लगा कि जा मेरे चित्तौड़गढ़ में और जब तुझे निशानी मिल जाए समझ लेना मेरा चित्तौड़ आ गया। किस तरह से जो पंछी से के बात के द्वारा क्या कहता है, आइए इस बात के द्वारा क्या बोलने वाला भाई। किस तरह से वो महाराणा प्रताप उस पंछी से कहने लगा और क्या कहना, देवेंद्र जी छज्जीपुर से 101 रुपए रागनी शुरू होने से पहले देते हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताया वाला। हेलो, तोड़ के चित्तौड़ जाना मेरे काम को, ओ साथी विजय धाम को, तेरे उड़ जा रे ओ पंछी, तोड़ के चित्तौड़ जाना मेरे काम को, ओ साथी मेरे धाम को। हेलो,
हर 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 सुविधा होगी किले की सिखा पे बैठी सत्य शिला सीता होगी दरवाजे पे जोत सदन में रामायण और गीता होगी दरवाजे पे जोत सदन में रामायण और गीता होगी के पहरे होंगे भवानी कथनी शंकर भैरवी में कहरे होंगे व्यास देवनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे व्यास देवनी फिर देख शाम को ओ साथी मिल दाम को महाराणा प्रताप पंछी से कहता है और के कहने लगा बोला भाई वनवासी भगवान मिलेंगे वनवासी भगवान मिलेंगे भरत से मिलाप होगा बाली का वध लखन मूर छा रावण से रण आप होगा हम फटा पहला दे बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा हम फटा पहला दे बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा की मूरत होगी यमुना जल में भारत माँ की साफ दिखती सूरत होगी यहीं पे ठहर जार पंछी आगे ना जरूरत होगी यहीं पे ठहर जार पंछी आगे ना जरूरत होगी भाई झुक जा रे झुक जा रे और ओ पंछी भारती के पग सर धर ले राम नाम को ओ साथी विजय धाम को जाकर के खबर सुना दे कि कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में आज एक शेर फंस चुका है। तीसरी कली में किस तरह से कहने लगा कि पंछी जा और कहते कि कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में आज एक शेर फंस चुका है। ऐसा बुरा वक्त महाराणा प्रताप पर आ चुका है जो सूर्य पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, आज वो बादलों की छाया में छुप चुका है। किस तरह से के कहने लगा बोला गिर गया बाग सूरज
ते हुया दुए ते अंधा हिमालय ने चरगी आगे हार कहो तुम महाराणा की या भारत का सोया भागे हार कहो तुम महाराणा की या भारत का सोया भागे मेरे दाएं बाएं हाथ काट के और चंबा है होंगे दूर एक गया बेरी के पक्ष में एक झुकिया ना यही कसूर राजी है तेरी हार बता माँ या कहते राणा मजबूर राजी है तेरी हार बता माँ या कहते राणा मजबूर भाई समझा रे और ओपन छी और बलिवेदी पे चेता कट ढगा जीत लाम को साथी विजय धाम को बात में महाराणा प्रताप न्यू करने लगा रहे पंछी चित्तौड़गढ़ में जाकर के खबर सुना दे कि महाराणा प्रताप के शरीर में जब तक लहू की एक एक बूंद बची हुई है सौगंध है अपने माँ के दूध की लड़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा लेकिन कभी रुकूंगा नहीं किस तरह से लास्ट बात में के बताया बोला सम्मुख तेरी कसम मा झुकूंगा नहीं दीवा करहूं बादलों की छाया में छुपूंगा नहीं दीवा करहूं बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं गुरु शरण दास के भारत मामले तेरे सतनों का पिया दूध खदकता कतरा शपथ है चुकाऊं सूद गुलामी की बेड़ियों को तू आदे में जाऊं कूद गुलामी की बेड़ियों को भाई थम जा रे और ओपन छी और राम राम कही और है मेरी सारे गाम को वो साथी विजय धाम को भाई उड़ जा रे और ओपन छी अरे दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे गाम को